तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और हम लाइव जा चुके हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा जूम ने इशू कर दिया था तो मैं जूम स्टॉप हो गया था। सो मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता जी। स्क्रीन विजिबल है सबको? राइट, तो मैंने मेरे सेंड लाइक ग्रेट। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले जो हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, तो उसके जो फर्स्ट डे होता है, उसके कुछ जो पहले मिनट्स होते हैं, उसमें हम आइक्रोग्रुप का इंट्रो बेसिकली देते हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए तो उनको आइडिया हो जाए कि आइक्रोग्रुप क्या है और क्या कर चुका है या क्या कर रहा है। ठीक है, क्या उसका मिशन है। तो सबसे पहले आते हैं आइक्रोग्रुप का मिशन क्या है। ठीक है, एम क्या है, क्या करना चाहता है। सबसे पहला पॉइंट एम्प्लॉयबिलिटी लिखा हुआ है, यानी कि आइक्रोग्रुप चाहता है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो, ज़्यादा वो जॉब्स हासिल कर सकें। राइट, तो ये तो एक पहला हमारा मेन मोटिव है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, स्टूडेंट इस काबिल हो कि वो जॉब ले सके। दूसरा मोटिव है कि हाईटेक स्किल्स, जो इंडस्ट्री में हाई जो बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज है, ठीक है, जहाँ पे जो डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है स्टूडेंट की, वो स्किल्स बेहतर की जाए, बेहतर से बेहतरीन की जाए। राइट, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर की जाए, क्योंकि वो मोस्टली रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और देखा भी जाता है कि एक स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो कितनी अच्छी है, कितना क्रिटिकली सोच सकता है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो ये भी बहुत जरूरी होती है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो, ताकि आप इम्प्लॉयबल बन सके। ठीक है, ये दो पहले मेन मिशन है कि हम पूरे करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, और कर भी रहा है। उसके अलावा जो मेंटरशिप आपको मिले वो इंटरनेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइकर ग्रुप पे जो मेंटरशिप मिलती है वो इंटरनेशनल ही है, बेसिकली यूएस से, आपके सिलिकॉन वैली से यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल रही होती है। ठीक है, ताकि वो अपने हाईटेक स्किल्स बेहतर कर सकें और एम्प्लॉयबल भी बन सके। उसके अलावा जो फोकस है आइकर ग्रुप का, के दिन में 6 सेशन चलते हैं, वीक में एक बार वेबिनार होती है और वीकली एक वर्कशॉप होती है। दोनों वेबिनार और जो वर्कशॉप है ये वीकेंड पे होती है। ठीक है, सैटरडे संडे, वेबिनार हमारा होता है सैटरडे को, वर्कशॉप होती है संडे को। उसके बाद जो ग्रेजुएट स्टडीज है यूएसए में, जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प की जाती है, ताकि वो अप्लाई करें और सिलेक्शन भी उनका हो सके। किस तरह से हेल्प की जाती है कि उनको फ्री आयर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है, जीआरई के यहाँ पे कोर्सेज चल रहे होते हैं। राइट, तो ये रिक्वायर्ड होती हैं जब आप अप्लाई करते हैं हायर स्टडीज के लिए किसी, ठीक है, फॉरेन कंट्री, मोस्टली फोकस होता है यूएस पे। ठीक है, तो वैसे हायर का कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, अगर बाहर से देखें जीआरई का, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, प्रोग्रामिंग में डिफरेंट प्रोग्रामिंग है, पाइथन हो गई, जावा हो गई, C++ हो गई, डिफरेंट प्रोग्रामिंग यहाँ पे पढ़ाई जाती है, बिल्कुल बेसिक से, आप कहने के उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है इस तरह से। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट भी पढ़ाई जाती है, उसके साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के सेशन भी चल रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे जो सेशन होते हैं, या आप आईक्रूड के पेज पे जाएंगे, जो ऑफिशियल पेज है, तो उसका नाम है आईक्रूड गुरु, वहाँ पे लाइव होते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड होते हैं। अगर इन केस आपका सेशन मिस हो जाता है, तो आप वहाँ से रिपीट में देख सकते हैं। तो रिसेंटली अचीवमेंट जो आइकर गुरु के, वो इंटरनेशनल जो हैकाथॉन्स होते हैं या कॉम्पिटिशन आपके, उनमें 40 अवार्ड्स उन्होंने विन किए हैं।
उसके अलावा फुली फंडेड जो ग्रेजुएट एडमिशन के लिए पूरे कंट्रीज में, डिफरेंट के अब्रॉड कंट्रीज में, उसके साथ साथ यूएस इंक्लूडिंग यूएस, तो स्टूडेंट ने क्या किया है कि एडमिशन हासिल की है डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, यूरोप में वो कंट्री इंक्लूडिंग यूएस एज वेल। उसके अलावा लोकल और इंटर्नशिप जॉब, इंटर्नशिप्स और जॉब्स दोनों हासिल किए स्टूडेंट ने, आईकल ग्रुप के स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी वो हो रही थी आईकल ग्रुप के स्टूडेंट्स, राइट। तो आप सबके बड़ा शुक्रिया कि आप सबने मुझे इतने गौर से सुना। तो यहाँ पे आपको जो पहला लिंक नजर आ रहा है आईकल ग्रुप के ऑफिशियल पेज का, यानी वेबसाइट के लें, ठीक है, वहाँ पे आप जाके अगर न्यू हैं फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन है और एक सिंपल सा फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल सा, कोई भी फिल कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती हो, ठीक है, वो आपने फिल करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। 24 घंटे में आपको एक मेल आएगी जिसमें आईक्रू के सिलेक्ट चैनल का लिंक होगा। उसके अलावा दूसरे लिंक, जो दूसरा लिंक आपको विजिबल है आईक्रू के फेसबुक पेज पेज का है, तो वहाँ पे जाके भी आप विजिट करें, उसको बेसिकली फॉलो कर लें ताकि जो लाइव क्लासेज हैं आपको उनका नोटिफिकेशन आए, और उसके अलावा आप रिपीट में देख भी सके, ठीक है, अगर सेशन मिस हो जाता है। तो आज जैसे आप सबको पता है ये सेशन है पाइथन फॉर बिगिनर्स का, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, मीन्स के आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं है, आप नॉन सीएस बिगिनर्स हैं तब भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, ठीक है। तो सर अली अब्दुल्ला हमें इस कोर्स में गाइड करेंगे, हमें पढ़ाएंगे, सो ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया गुल भाई। अभी हम शुरू करते हैं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी जी सर। ठीक। तो पाइथन, पाइथन के बारे में मैं कुछ चीजें बता दूं कि पाइथन इसलिए बताई गई थी कि एक बिल्कुल एक इजी और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हो, जिसे ना समझने में मुश्किल आ सके और टू द पॉइंट आप काम कर सकें। मतलब है कि जिस तरह सी में होता है कि आपको एक छोटी सी चीज के लिए एक बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ता है, उस झंझट से लोगों को बचाने के लिए ये इजी टू यूज यूजर फ्रेंडली लिखी क्या नाम है लैंग्वेज बनाई गई थी। और बिल्कुल एक जनरल जनरल पर्पज लैंग्वेज है, आप इससे हर काम कर सकते हैं। मतलब है कि आप अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, आप इसमें वेब डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। मतलब है कि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है और उसके अलावा ये बहुत आसान है, क्योंकि ये बिल्कुल एक समझें कि ऐसे है जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हैं। अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं, सर पेरेंथेसिस इज मिसिंग। नहीं, वो दो लैंग्वेजेस वो जमा हो गए, समझ गया हूँ मैं। ये देखें इस तरीके से, ये बिल्कुल आपने ऐसे ही लिखा है। इसमें सी में भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना, प्रिंट स्क्रीन करना पड़ता है और उसके अलावा दो तीन और चीज़ें उसमें सी वगैरह में करनी पड़ती हैं। अच्छा तो सर मेरा जी एक क्वेश्चन है, शायद आप आगे आप बताएं कि आप ये टूल कौन सा यूज कर रहे हैं और कौन सा करना चाहिए और कहाँ से हमने वो डाउनलोड करना है, या अगर मैं न्यू बन रहा हूँ एक बिल्कुल ही, तो मुझे कैसे पता चले मैं कौन सा टूल यूज करूँ, कहाँ से उसको टूल डाउनलोड करूँ, इंस्टॉल करूँ। टूल्स आईडीज तो मल्टीपल हैं। मतलब है कि विजुअल स्टूडियो कोड भी है और पाई चार भी है, और जुपिटर नोटबुक मुझे सबसे बेहतर लगती है क्योंकि मैं खुद ये यूज करता हूँ। तो इसमें सबसे इजी तरीका है कि आप या अपने उस पर जाकर लिखें और जो भी है आपका है। जुपिटर नोटबुक जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो इसका आपको बता देगा कि किस तरीके से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ है, आप इसे फॉलो करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे लोकल आपकी लोकल मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगी। राइट तो उसके अलावा पाइथन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ इस तरह लिखेंगे ना, अगर हम यहाँ पे कहें कि भाई हमने एक्स को कह दिया है, एक्स को आपने कह दिया है
पाकिस्तान, लेकिन आप नीचे प्रिंट करवा देते हैं कैपिटल एक्स, तो ये आपको प्रिंट करके नहीं देगा, आपको ये कहेगा कि भाई जो कैपिटल एक्स है ना वो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो ये देखता है कि हमने पहले स्मॉल एक्स लिखा था तो उसी को वो देख रहा है, उसके उसकी मेमोरी में वही शो हो रहा है, आइडेंटिफाई हो रहा है, अगर हम स्मॉल एक्स लिखेंगे तो ये से प्रिंट कर देगा, ये देख, इसी केस सेंसिटिविटी कहते हैं कि कैपिटल कैपिटल में है, अगर आपने कैपिटल में उसे डिफाइन करवाया है तो वो कैपिटल में उठा देखेगा, और अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में उसे देखेगा, ये इस चीज को कहते हैं केस सेंसिटिविटी कहते हैं इस चीज को। इस बारे में अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो काइंडली पूछना। ठीक, सर क्या इसका प्रॉपर कोई सिंटेक्स होता है लाइक C++? नहीं, कोई इसका कोई सिंटेक्स नहीं होता। मतलब है कि पाइथन बिल्कुल बहुत हद तक सिंटेक्स के मामले में फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। मतलब है कि बहुत कम चीजें होती हैं जिसमें सिंटेक्स का मसला करता है, जिसमें आप मतलब है अगर कोई रेगुलर रूल तोड़ रहे हैं, तो जिस तरह हमने ये किया था यहाँ पे, इसे करेंट क्या नाम है ब्रैकेट्स की जरूरत होती है, तो हमने इसे ब्रैकेट्स नहीं दी थी, तो इसने यहाँ पे कहा था कि भाई आपका ये सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो अब आप इसे ये दे दें, क्योंकि ये बेसिक रूल है कि सारी लैंग्वेजेस में, इसमें भी, कि आप एक पैरेंथेसिस जब भी किसी को प्रिंट करवाएंगे, किसी चीज को प्रिंट करवाएंगे तो आपको पैरेंथेसिस में या फिर किसी और उसमें देना पड़ेगा अलहदा से, प्रिंट आप प्रिंट ब्रैकेट्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक रूल है एक हिसाब से ना, तो अगर आप बेसिक रूल्स को इग्नोर करेंगे तो फिर वो एरर देगा, अदरवाइज एरर नहीं देगा, हो सकता है कि आपका आपका जवाब गलत आ जाए और आप जो चाह रहे हो वो ना मिले। बेसिक रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाते हैं। और सर जो राइट हमने एंड चीज प्रिंट करवानी हो, जरूरी है कि उसको इन्वर्टेड कॉमास में मींस उसमें लिखा जाएगा, मींस कि अगर लाइक ये पाकिस्तान है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखा डबल, तो अगर जी, हमें कोई नंबर एंटर करवाना है तो उसके लिए भी ये कॉमास ही होंगे ये या? इसका ये इसकी डेटा टाइप है ना, ये स्ट्रिंग है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर रहे हैं हम। अगर आप यहाँ पे 20 लिखते हैं तो 20 के साथ आपको कोई किसी किस्म के इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ डेटा टाइप का डिफरेंस है, जिस तरह फ्लोट एक डेटा टाइप होती है और उसके अलावा इंटीजर डेटा टाइप होती है, स्ट्रिंग होती है, कैरेक्टर डेटा टाइप होती है। मैं आपको सारे यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आता है इंटीजर, इंटीजर इस तरीके से होता है, और उसके बाद आता है इसमें फ्लोट। फ्लोट के अंदर ना पॉइंट डेसिमल्स में वैल्यूज होती हैं, इसे फ्लोट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब ये एक कीवर्ड वो आ रहा है, एक मिनट, इसको कीवर्ड का फंक्शनलिटी। और उसके अलावा जिसमें कैरेक्टर वैल्यू होती है, कैरेक्टर वैल्यू होती है अकेला जो होता है ना, मतलब है कि एक स्ट्रिंग नहीं, एक अल्फाबेट जो होता है उसको, कि इस चीज को भी एक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, और चौथी इसके अंदर होती है स्ट्रिंग, इस तरीके से। ठीक है, ये चार डेटा टाइप्स आपको पता, आपको समझ आ गई। हम इसे प्रिंट भी करवा लेते हैं। अब हम इसे कॉपी करते हैं,
ये देखें, और अगर आप इस इनको वो भी शो करवाना चाहते हैं तो आप एक कोटेशन मार्क दें और फिर इसके अंदर एक और कोटेशन मार्क दें। बिल्कुल इसी तरीके से। सर, जी अब ये जो स्ट्रिंग हो गया, ये अपना वेरिएबल भी हो गया और साथ साथ में एक स्ट्रिंग की वैल्यू भी हो गई। जी अच्छा सही सर, है। सर, ठीक। मेरा मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, फिर मैं एक जी दियादी बंदा हूँ, तो ये प्रिंट क्या चीज़ है? प्रिंट, ये प्रिंट करने के लिए एक आप ये समझेंगे कीवर्ड या मेथड है कि आप इसे फंक्शन है, इसे कहते हैं कि भाई जिसे आप कमांड देते हैं ना, आप कहते हैं कि भाई इसे प्रिंट कर दो जो भी मैं दे रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर हमने कहा है कि भाई द इंटीजर इज, फिर हमने इसे कह दिया कि भाई इंटीजर वेरिएबल के अंदर हमने जो सेव की हुई है ना वैल्यू, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दे। ठीक है, राइट, यानी प्रिंट एक पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है, जी मेथड। बिल्कुल। वैसे के मेथड तो हम दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे, फंक्शन है जिसके अंदर हम कुछ भी चीज देंगे, कोई भी वैल्यू देंगे तो एज इट इज हमें कंसोल पे या यूजर को शो करेगा। राइट, मैं सही समझा? बिल्कुल 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 अच्छा, हम बिल्कुल ठीक। इसके प्रिंट के अंदर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं? अभी तो हमने सिर्फ जैसे अली को प्रिंट कराया ऊपर, क्या जी मैं जी 2 × 2 कर दूं या 2 + 2 तभी ये करके देगा हमें, मेरा ख्याल है तभी कि कर सही देगा, परफॉर्म एक मिनट करेगा? हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। करके तो देना चाहिए इसे, 2 × 2 2 × 2 करने, बिल्कुल कर देगा। जी अच्छा, बल्कि सही सही, यानी आपको कैलकुलेशन भी इसमें आ सकती है। बिल्कुल प्रिंट की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें, आप इसे 2 × 2 करें, सॉरी 2 × 2 करें, ये आपको ऐसे ही कर देगा। राइट राइट, थैंक यू सर। अगर एक ही है ना, मतलब है कि आप इस सारे को वो कर दें, क्या कहते हैं, कमेंट कर दें, तो फिर आप यहाँ से सब कुछ हटा दें, सिर्फ इंटीजर लिख दें, वो आपको शो करवा देगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक से ज्यादा हो तो तब आपको एक्सप्लिसिटली प्रिंट का कीवर्ड देना पड़ता है, प्रिंट का फंक्शन साथ लगाना पड़ता है, क्योंकि वो फिर मल्टीपल एंट्रीज उसके पास आ जाती हैं, तो फिर उसे पता नहीं होता कि किसको उसने पहले शो करवाना है, किसको बाद में, तो फिर वो एक ही को शो करवा के छोड़ देता है। पहला वाला जो उसे सबसे पहले काउंटर, उसके काउंटर को मिलता है ना, उसी को शो करवा देते और बाकी सारे ऐसे ही छोड़ देते। ठीक है, अब राइट इसमें एक चीज और होती है, कमेंट। बिल्कुल, कमेंट भी हमें डिस्कस करना है। कमेंट इसमें पाइथन में होता है, इससे हैश से, सिंगल कमेंट जो होता है, आप इसके अंदर जो भी लिखेंगे अपने लिए, ये सिर्फ आपको ही पता होगा, इसका मतलब है कि यूजर से कोई लेना देना नहीं होगा। और जो होता है ना, क्या क्या कहते हैं, मल्टीपल कमेंट, उसके दो तरीके हैं। पहले आप अपने जितनी लाइंस को आपने कमेंट करने हैं उनको आप सिलेक्ट करें, और फिर आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाली जो टैब है ना, शिफ्ट के साथ उसे प्रेस करें, तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, कमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस तरह करें, आप इसे नीचे करें और फिर आप यहाँ पे एक तीन, और अब फिर यहां से भी नीचे आप 1 2 1 2, बस एक बस। ठीक है, वो इसी तरह था। एक बेसिकली सर, आई गेस इसे हम डॉक स्ट्रिंग कहते हैं, यानी कि स्ट्रिंग का बिल्कुल टाइप ही होती है बट डॉक स्ट्रिंग होती है। बिल्कुल, ये इसे वो कर देता है ना, मतलब उस पूरे को उसने एज अ स्ट्रिंग उठा लिया। यानी हम इसे हैश लगा के इसे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। और दूसरा शिफ्ट तरीका थ्री को ये है पेस्ट करें कि या अगर चार को आप सेलेक्ट कर दें। बिल्कुल अगर आप एक से ज्यादा लाइंस करना चाहते हैं, तो आप उन लाइंस को सिलेक्ट करें और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क टैब जो होता है फॉरवर्ड शिफ्ट के स्लैश, साथ, बिल्कुल ठीक है। ये कंट्रोल फॉरवर्ड और स्लैश वाली की। बिल्कुल वही, वो जो बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर होता है। अच्छा सर, मुझे एक यानी के बात के पूछनी है कि
अब बेसिकली हम पढ़ने से पहले थोड़ा कंटेंट देख लेते, ओवर भी हो जाता कि क्या जी जी हम बिल्कुल पढ़ेंगे ऐसे। इन द कोर्स। तो यहाँ पे ये है कि एक मिनट, ये यूँ समझें कि 5 अराउंड 5 वीक्स का है पूरा कोर्स, और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब है कि रिजर्व वर्ड्स और आइडेंटिफायर्स और कैलकुलेटर से लेकर, और आगे 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 आप चलते आगे आगे आप चलते जाएंगे। फिर आप इसके अंदर डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको डाटा टाइप्स बताए नहीं है, उनमें से कुछ बताए हैं जो बेसिक होते हैं, स्ट्रिंग्स फ्लोट्स वगैरह सिंपल डेटा टाइप्स होते हैं। और उसके बाद फिर हम दूसरे हफ्ते में आ जाएंगे, दूसरे हफ्ते में फिर हम लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे उन डेटा टाइप्स के ऊपर जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, आप किस तरीके से दो वैल्यूज को लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आप, इफ देन एल्स वगैरह, और उसके इफ इफ वाई लूप्स पढ़ेंगे, इफ देन एल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आप फंक्शंस पढ़ेंगे। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और कुछ हम खुद बना भी सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे फिर एक होता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का मतलब ये है कि इंस्टेड के आप इतना बड़ा सारा फंक्शन लिखें किसी एक छोटे से काम को अंजाम देने के लिए, आप एक छोटा सा वन लाइनर फंक्शन लिख देते हैं जो उसी काम को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कम सोर्स को रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए आपको वो निकाल कर दे देता है। और ये इसी फर्स्ट वीक में ही हम ये भी देखेंगे कि कैलकुलेटर किस तरह बनाया जाता है। हम यूजर से ये बेसिकली ये हमारी एक पहली एक्सरसाइज होगी जिसमें मैं आपको हो सकता है असाइनमेंट दूँ, पहले हम यहाँ करेंगे भी, और फिर मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको एक कैलकुलेटर बनाना होगा। पहले आप यूजर से डाटा लेंगे, मतलब है कि उसके बाद फिर जो भी यूजर मांगेगा फिर वो सारा वो प्रिंट करके देंगे। ये क्लियर है सबको? और उसके बाद जो चीज आती है वो वेरिएबल्स आते हैं। ये जो इंटीजर इक्वल टू 20 हमने लिखा था, इसमें जो इंटीजर है ना ये वेरिएबल नहीं है। जी सर, ये जो कोर्स है ये सर एडवांस तक है या इंटरमीडिएट लेवल तक है सर, बिगिनर से? भाई इंटरमीडिएट लेवल तक आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि हम यही सारा करने के बाद फंक्शंस वगैरह हर चीज सीखने के बाद हम थोड़ी सी इसके अंदर ना डाटा एनालिसिस को चखेंगे सर, थोड़ा सा इसमें जो लाइब्रेरीज हैं। जी सर इसमें हम कुछ लीट कोड के वगैरह क्वेश्चंस वगैरह करेंगे या जस्ट ऊपर ऊपर से सर? करेंगे लीड कोड के क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला कोर्स कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह पाइथन में हम करेंगे लीड कोड के क्वेश्चंस, इसमें नहीं करेंगे सर? थैंक पाइथन में ही करेंगे सर, इसी कोर्स में करेंगे। ऐसा ही है ना गुल यू भाई? सर, थैंक यू सर। अच्छा चले अब हम आगे चले। ये हमने वेरिएबल देख लिया था, वेरिएबल के बाद एक होता है आइडेंटिफायर। वेरिएबल को वेरिएबल करने के लिए कुछ तरीका होता है, आपको कुछ तरीके के वेरिएबल्स नहीं लगा सकते। जिस जिस तरीके से आप अगर यहाँ पे इससे पहले अंडरस्कोर कर देते हैं इंटीजर से पहले, तो वो ये उसने देखें इसने उसे उठाया है। एक मिनट मैं अलग से आपको बता देता हूँ इसके कुछ। ये देखिए इसने उसे उठा लिया, अब हम इसे ना एंड पेज का अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे आप अलग किस्म के अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं, बस जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जिस तरह हमने ऊपर फ्लोट फ्लोट आ रहा था तो उससे हमने फ्लोटिंग कर दिया था। ये अब ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि ये एक कीवर्ड है, आप इसे एज अ वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा आप चैट जी, फर्स्ट क्लास ही है सब आथर जी, फर्स्ट क्लास ही है जी, हम जी है हमारी। और इसके अंदर हम एक और काम करते हैं,
वेरिएबल्स वगैरह हमने देख लिए हैं, इसके अंदर फिर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप प्लस करना चाहें तो दो चीज़ों को, 8 + 8, तो आप अच्छा इसे रन करें। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि ये वेरिएबल्स क्यों बना रहे हैं हम, किस काम के हैं हमारे? एक ये ये वेरिएबल्स सवाल, इसलिए, तो दूसरा जी, जी, आगे आगे, और दूसरा ये कि मैं इसे बता क्यों नहीं रहा हूँ कि मैं किस टाइप की वैल्यू तुम्हें दे रहा हूँ। यानी कि मैं क्योंकि अगर कहीं लिखता हूँ सी प्लस में तो इंट लिखता हूँ, उसके सामने जावा में भी लिखता हूँ इंट, फ्लोट, डबल, चार, इसको मैं क्यों नहीं बता रहा? और वेरिएबल किस काम के, हम क्यों बनाते हैं प्रोग्राम? अगर मैं, यानी कि मैं एक बिल्कुल ही न्यू हूँ तो मुझे कैसे पता चले ये चीज़ें? बेसिकली ना, जब भी आप एक से ज्यादा डाटा यूज कर रहे होते हैं, एक सिनेरियो तो ये है कि आप सिर्फ इसी इंटीजर के उसको यूज कर रहे हो तो बस ठीक है, लेकिन आप किस तरह से कॉल करेंगे? ये बेसिकली कॉल करने के लिए हम उसे एक नाम दे देते हैं कि भाई ये जो 20 है, जब भी हमें 20 को कहीं पे इम्प्लीमेंट करना होगा या फिर कहीं किसी कैलकुलेशन में 20 को लेकर आना होगा, तो हम 20 को, 20 बहुत सारी जगहों पे आ सकता है, 20 आप किस तरह, उसके कॉल किस तरह किया जाएगा? तो उसे आप एक नाम दे देंगे कि भाई 20 इंटीजर है, 20 का नाम इंटीजर है, जिस तरह हम सबके नाम है। बेसिकली वो वेरिएबल्स हैं जो जिससे जो हमारी पहचान है, और वेरिएबल्स की एक और डेफिनेशन ये होती है कि वो उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। मतलब है कि उस नाम के अंदर, इंटीजर के अंदर 20 स्टोर हो गए। अब जब भी हम इंटीजर को कॉल करेंगे ना, इंटीजर के अंदर एक बिल्ट इन कैपेबिलिटी है कि भाई मेरे अंदर जो चीज सेव है मुझे नहीं कॉल किया जा रहा, उस वैल्यू को कॉल किया जा रहा है, तो ये वो वैल्यू वहां पर उसे दे देगा जहां पर भी हम उसे कॉल करेंगे। जिस तरह अगर हम यहाँ देखें, इंटीजर इनटू टू, ये देखें, ये यहाँ पे ये 40 आ गया। जिसे मैंने बताया था कि हमने इंटीजर को किया, तो इन जनरल तो उस इंटीजर को इसके साथ वो होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने उसे वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर एक वैल्यू सेव की हुई है। बेसिकली ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने, मतलब है कि लिक्विड रख दी है। अब जब भी आप उस कंटेनर को देखेंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये कंटेनर है, कंटेनर नहीं है, उसके अंदर जो आप लिक्विड रखे आप वही लिक्विड यूज होगा। आप जब भी आप पेट्रोल डलवाते हैं तो वो जो क्या नाम है, जिस पाइप से वो पेट्रोल डाल रहा होता है, उस पाइप को तो नहीं आपके उसमें डाल, क्या नाम है, टैंकी में डाल के डाल देता, उससे जो लिक्विड निकलता है वो उसके अंदर सेव वेरिएबल डाटा होता है जो वो आपकी टैंकी में ट्रांसफर करता है, वो सिर्फ एक वेरिएबल होता है। उसी तरीके से ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर आपने 20 को सेव किया, आपने कहा कि भाई इंटीजर को जो है ना, जो इंटीजर का वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन शॉर्ट इसलिए होता है वेरिएबल कि आप आसानी से उसे कॉल कर सकें, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। और कई बार ये मतलब है कि ये बिल्कुल उसी तरीके से कि इन रियल लाइफ जिस तरह हमारे नाम होते हैं, उसके अलावा वेरिएबल का और कोई खास नहीं है वो। और दूसरी जो बात आपने पूछी थी, दूसरी क्या चीज़ थी भला? हम इसको कुछ बता क्यों नहीं कि मैं किस किस्म की आपको वैल्यू स्टोर करने हाँ के लिए दे रहा बिल्कुल, हूँ? उसी प्रोग्राम में तो हम बताते हैं। जब जब पाइथन बनाई गई थी ना, तो उनका मकसद यही था कि इतनी ज्यादा, इतनी इजी और इतनी प्रिसाइज लैंग्वेज हो कि आप उस, आपको उसे एक्सप्लिसिटली बताना ना पड़े। वो डाटा को देखे, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा भाई ये 20 है, इसे 20 देखा, इसके अंदर बिल्ट इन है कि भाई ये जो 20 है ना ये इंटीजर है। अगर हम आप इसे फ्लोट में 20.0 कर देंगे तो आप ये पहचान जाएगा कि ये फ्लोट है, इसके अंदर बिल्ट इन है डाटा टाइप्स कुछ, ये पहचान जाता है। अच्छा जी अच्छा तो यानी सर, जितना मैं समझाऊं कि जब आपने पहले बताया कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे देखूं कि 8 + 8 जो है, इसका आंसर आया 16, बट मैं जी कहीं प्रोग्राम पे मुझे अगर इसकी जरूरत पड़ी 16 की, मैं कभी इसे कहीं यूज ही नहीं कर सकूंगा पूरे बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम ही, में। क्यों? मैंने इसे तो स्टोर ही नहीं किया। जब ये प्रोग्राम मेरा रन होगा, आउटपुट मिलेगा, उसके बाद बात खत्म, ये मेमोरी में नहीं रहेगा। बिल्कुल तो यही आपने मेमोरी बस में शो रखने के करवा लिए दिया मुझे कुछ कि तो चाहिए, राइट? जी बिल्कुल तो यानी कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं ताकि ये इस नाम से इस वैल्यू को अपने पास रख सके कंप्यूटर की मेमोरी में। जब भी मैं उस बिल्कुल वेरिएबल का नाम लू, डायरेक्ट वो मेमोरी में से वैल्यू उठे और मेरे पास आ जाए। अगर मैं इस 8 + 8 को भी किसी में स्टोर करता, जैसे कि कुछ भी वेरिएबल का नाम a = 8 + 8, तो मैं कहीं भी उस a को कॉल करता तो मेरे पास 16 आ जाता, राइट?
बिल्कुल हम करके देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें कि भाई ए है ना, ए माइनस कर लें -20। एक मिनट, ये एक और चीज डेटा टाइप्स की है, वो डिफाइंड नहीं अच्छा की। सर, एक आपने मिनट, इस शेयर को रन नहीं किया तो जाएगा इस देर हाँ जी हाँ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट बस। अच्छा सर, जी सर, इंटीजर इसलिए नॉट डिफाइन है क्योंकि आपने इंटीजर का ऊपर नाम चेंज किया है इस लाइन बिल्कुल में अगर ऐसे ही, देखें तो। ये देखें हमें अभी तो ये देखना है, ये देखें सही है, जी सर, हम इंटीजर का नाम दोबारा से पहले वाला कर लेते। ये देखें यहाँ पर हम, अब हमने ए के अंदर जाओ यहाँ पे इसे सेव कर दिया था, फिर हमने, हम भूल गए 8+8 को, हमें बिल्कुल इस चीज का ध्यान नहीं रखना है कि भाई 8+8 क्या होता है। उसके जो हमने उसकी वैल्यू सेव की है, हमने कहा कि भाई ये जो ए है ना, इसमें से जो हमारी ए की वैल्यू थी उसमें से 20 को माइनस कर दो, तो इससे माइनस करके -4.0 आपको वैल्यू दे दिया। राइट, यानी कि सर हम आसान जबान में कहें कि वेरिएबल के बिना हमारा प्रोग्राम है ही नहीं कुछ। बिल्कुल, आप उसे उस पर काम कर ही नहीं सकते। अगर आपने सिंपल वो क्या नाम है कैलकुलेशंस, या सिंपल एक कैलकुलेटर भी बनाना, फिर भी आपको वेरिएबल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो यानी दो चीजें हमें पता चली कि प्रोग्राम में कोई वैल्यू आपने स्टोर करनी है उसे 1000 लाइन का कोड है कहीं भी यूज करेंगे, जिस नाम से आपने उसे वेरिएबल का क्रिएट किया था, वेरिएबल जिस नाम का, तो वो वैल्यू आप उस नाम से कॉल करके वहां पे यूज कर सकते हैं। बार बार उस वैल्यू को लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। दूसरी बात बेसिकली हम यहाँ पे इसको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते, पाइथन खुद ही इतनी जहीन है कि खुद ही समझ जाती है वैल्यू देख के ये किस टाइप की इन्होंने वैल्यू मुझे दी, आइदर स्ट्रिंग है, फ्लोट है और इंटीजर है। राइट, बिल्कुल वो बेसिकली बिल्कुल यहाँ पे पाइथन में करेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी एक एक करेक्टर जैसे दूसरी लैंग्वेज में होता है, यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग होती है, चाहे एक अल्फाबेट हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 अल्फाबेट हो। राइट सर, जी सर बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। ठीक हो गया, और आखिर अभी अभी हमें एक और चीज, हमें कैलकुलेशंस वगैरह देखनी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये करते हैं, ए की वैल्यू तो हमने दे दी, हम यहाँ पे बी की वैल्यू भी दे देते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि भाई बी है वो 8+8 था, हम बी को 6+6 कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे ए और बी को के ऊपर कैलकुलेशंस करनी है। हम यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि भाई ए इंटू बी बराबर आप इसे कहते हैं कि भाई ए इंटू बी हो गया a+b, a-b, a/b, a modulus। मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन ये देखें, सारी हमने उन वेरिएबल्स में दोनों को वैल्यूज को सेव किया, फिर उन वेरिएबल्स को कॉल करके यहाँ पर उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर दें। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज ये भी है कि इसके अंदर है, एक मिनट, अच्छा सर, मैं जो वेरिएबल का नाम है मैं उसको स्टेरिक वगैरह से स्टार्ट कर सकता हूँ? मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्टेरिक नेम लिखूँ और इसके अंदर फिर अपना नाम दे दूँ, गुलासन।
स्टेरिक से कर सकते हैं भाई वेरिएबल का नाम। सर ये अंडर स्कोर है, स्टेरिक मीन्स स्टार, जो मल्टीप्लिकेशन के अच्छा हम हाँ यूज हाँ कर हाँ रहे हैं, हाँ जो सॉरी 8 सॉरी पे। सॉरी 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 आपने बात क्या की थी बोला? कि मैं अपने को इंटीजर क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ भी, लेट्स सपोज नेम का इंटीजर, क्या मैं उसको स्टेरिक से स्टार्ट कर सकता हूँ? हम देख लेते हैं। तो हैश तो नहीं, बेसिकली वो कमिट हो जाएगा। स्टेरिक से स्टार्ट कर सकता हूँ या कोई खास जो साइन हो? हम स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिनसे आइडेंटिफायर स्टार्ट किए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे, मैं आज ही देख रहा था इसे, एक मिनट ये देखें। इस तरीके से जब भी आप किसी उसको वेरिएबल को नाम देते हैं ना, तो उसमें ये चीज होती है, ये वैलिड कैरेक्टर्स हैं, कुछ वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इनवैलिड कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब कुछ तरीकों से आप नाम को शुरू कर सकते हैं, कुछ तरीकों से नहीं कर सकते। मतलब है कि अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हैं, अपने नाम से कर सकते हैं, गेट यूजर नेम से, फ्रैग, इनमें से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है किसी भी वेरिएबल का नाम देने की, कि उसमें वो 8 ABC में से होना चाहिए, और जी ABC यूज कर सकते हैं आप, 0 to 9 digits यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इन 3 चीजों के अलावा आप कोई चीज यूज नहीं कर सकते। मतलब है कि अगर आप किसी वेरिएबल को डिजिट से शुरू करेंगे ना, अगर मैं आपको बताऊं कि 1A आप हैं, तो ये आपको यहाँ पर सिंटेक्स एरर दे देगा। जिसने मैंने ऊपर बताया था कि भाई जो सिंटेक्स होता है, तो इसके पाइथन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड सिंटेक्सेस हैं, और जब तक आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट नहीं करते, तब तक पाइथन आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ चेंजिंग्स करके आपको कुछ ना कुछ जवाब निकाल कर दे देता है। लेकिन जहां पर आप इसके सिंटेक्स को यानी छेड़ते हैं, जी यानी सर यानी कि वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल है, जैसे कि मैं कभी भी अपने वेरिएबल का नाम स्टेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकता, एंड ऑपरेटर जो 7 के ऊपर है उससे नहीं स्टार्ट कर, या कोई स्पेशल करेक्टर जो होता है मैं उससे कभी भी अपने बिल्कुल, वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकता, आप अंडरस्कोर से राइट? शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अंडरस्कोर हाँ यूज कर सकता हूँ, राइट? अंडरस्कोर से कर सकते हैं, छोटी बड़ी ABC यूज कर सकते हैं, और 0 से 9 तक डिजिट यूज कर सकते हैं, बस अच्छा, 0 से 9 डिजिट हम स्टार्ट में नहीं, हम बीच में कहीं आखिर में बिल्कुल यूज कर सकते हैं वेरिएबल में। स्टार्ट में अगर दरमियान हम डिजिट में, देंगे तो एरर देगा, राइट बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दरमियान में या आखिर में आप इनमें से कोई सी भी चीज यूज नहीं कर सकते। अगर आपको पहले यूज करना है, तो आपको पहले कोई वो यूज करना पड़ेगा डिजिट, मैं सॉरी अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे कह रहे हैं कि A1, फिर ये चल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर आप आखिर में ये भी दे देते हैं, फिर भी ये चल जाएगा। राइट सर, राइट। तो इसके अंदर अब ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, और अब हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि पावर, किसी भी उसकी पावर। तो आपने, हमने यहाँ पे देखा है ए और बी, हमने देखा था ना, एक मिनट सॉरी। तो ए हमारे पास ये क्या बनता है, 16 बनता है, और ये बी हमारे पास 12 बनता है। तो जब भी आपको किसी एक्सपोनेंशियल या फिर पावर करनी होती है ना, तो आप सबसे पहले देखते हैं बेस क्या है, उसकी बेस क्या होगी। तो आप उसे कहें कि भाई अगर हम यहाँ पर ए को कर दें, सॉरी ए को हम 2 कर दें, तो हम इन्हें यहाँ पर कहते हैं, इसका सिंटेक्स होता है कि जो पहली होती है ना, जिसको आप बेस बना रहे होते हैं, आप उसे वो लिखते हैं जिसका हमने यहाँ पे ए को बेस बनाया है 2 को। फिर आप 2 मत बस स्टैरिक लिखते हैं, 2 मत बस स्टार लगाएंगे, उसके बाद आप बी लिखेंगे। बी का मतलब है 2 raised to power 12। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। राइट सर, यानी सर अगर हम सिंगल स्टेरिक लगाएं, इसको हम बेसिकली प्रोग्रामिंग स्टेरिक कहते हैं, स्टार को जो 8 के ऊपर शिफ्ट प्रेस करने से आता है, ठीक है? यानी हम जी जी सिंगल लगाएं तो मल्टीप्लाई करेगा, मैं 2 लगा दूं तो ये पावर ले लेगा, ए की पावर बिल्कुल बी, ए बिल्कुल में 2 हो बी में कुछ भी हो उसकी पावर ले लेगा, यानी 2 पावर में 2 कर दूं तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो कुछ उतना से हमें दे देगा, राइट सर? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम इसे उल्टा भी देख सकते हैं, 12 12 12 12 12 144। हम यहाँ पर काउंटर चेक भी इसे कर सकते हैं, हम इसे बी एक्सपोनेंट ए कर देते हैं, ये 140, इसका आंसर 144 आना चाहिए। एक मिनट,
ये ठीक है। अच्छा किसी का कोई सवाल हो तो बीच में पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप बिगिनर है या पीरियड नॉलेज नहीं है बैकग्राउंड का, तो अपने सवाल पूछिएगा। राइट, तो ये 1 मिनट ऐसा, सॉरी डिस्टर्बेंस, ये यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है, तो बहुत इजी होके बैठे, इजी होके समझें और सवाल भी करें। राइट, जी जी बिल्कुल, अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर कोई चीज दोबारा रिपीट करने वाली है तो हम रिपीट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक छोटा लफ्ज भी नहीं समझ में आता, जैसे टू स्टेरिक टू क्यों लिखा, तो वो भी पूछना बेचा है, अगर बिल्कुल भी गिना है, नो इश्यू एट ऑल। जी सर, कंटिन्यू कर। अच्छा सर, सर मेरा एक क्वेश्चन तो है, मैं तो बिगिनर हूँ, जी तो जी भाई ये जुपिटर में कैसे चला के और ये फाइल कैसे आपने क्रिएट की, ये मुझे थोड़ा लास्ट में बता दीजिएगा, हाँ और जी ये ठीक है, कहाँ से मैं होगी, जी ठीक है, ताकि मैं इसे रन कर सकूँ अगेन, कैसे रन करूँगा, कैसी नई नई फाइल क्रिएट करके सेव करूंगा, तो ये सारा कुछ बता दीजिएगा। अच्छा मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना के दिखा देता हूँ। ये जब इंस्टॉल कर लेंगे ना अपनी जुपिटर नोटबुक, तो फिर इस तरह आप टर्मिनल खोल के उसमें जुपिटर नोटबुक लिखेंगे तो वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है ना। और इस राइट तरह सर, अगर आप की बिल्कुल बेसिकली, सॉरी सर, अगर आप विंडोज यूज कर बिल्कुल, रहे हैं, मैं अगर जी विंडोज गूगल यूज कर रहे हैं लिनक्स फिर हो भी आपको जाएगा। टर्मिनल ही में कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना होगा, बिल्कुल, या फिर अगर आप नहीं तो जुपिटर का आइकॉन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेगा, डबल टैप करेगा, तो ये जुपिटर खुद ही ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर बिल्कुल होगा। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा ही राइट। है। और अच्छा अगर आप विंडो पे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन एनाकोंडा होगा, क्योंकि वो एक पूरा पैकेज होता है, राइट सर, उसमें हर किस्म की आईडीज आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पर किस तरीके से नई फाइल बनानी है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये इस न्यू पे क्लिक करेंगे, ये पाइथन 3 लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये एक नई जुपिटर नोटबुक बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी करें ये देखें इस तरीके से, ठीक है, ये चीज सबको समझ आ गई। अब इसे डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर रीनेम भी, या डुप्लीकेट भी, या शट डाउन वगैरह हर चीज है, आप इसे यहाँ से डिलीट कर दें अपने लिए। दोबारा फाइल बनाना सिखा दें, मीन्स के न्यू का फाइल किस तरह बनेगी दोबारा। जुपिटर नोटबुक जी ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करेंगे ना, जहाँ एरो देख रहे हैं आप मेरे, यहाँ पर न्यू पर आप क्लिक करें, फिर यहाँ पे पाइथन 3 लिखा हुआ होगा। यहाँ पे जब आप इसके ऊपर अपना एरो लेकर आएंगे ना, तो ये ठीक एक पॉपअप होगा, जहाँ बता दे कि भाई क्रिएट अ न्यू नोटबुक विद पाइथन 3, आप इस पर क्लिक कर लें, ये ठीक है, नई नई जुपिटर नोटबुक बन गई, ठीक है। राइट सर, राइट। यानी ऊपर से हम अनटाइटल लिखा है, आप इसे, हम इसे नेम भी दे सकते बिल्कुल हैं, राइट जी, सर। यहाँ पे आप इसे नाम भी दे सकते हैं, और उसके अलावा आप इसमें एडिट्स वगैरह भी कर सकते हैं। ये अगर आपने कोई सेल कट करना है तो आप वो सेल भी कट कर सकते हैं, आप एक और सेल भी लेकर आ सकते हैं, इसे आप इसे सेव भी कर सकते हैं, आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, और नए सेल भी पेस्ट कर सकते हैं इसे, और सारी चीजें इसके। और इसमें मार्कडाउन वगैरह भी होते हैं, मार्कडाउन का मतलब ये, आप इसे कहेंगे कि भाई ये मार्कडाउन है तो आप यहाँ पर लिखें बस, ये इस तरह से शो होगा। और मार्कडाउन के अलावा इसमें फिर ये जो है ना, अब ये कोड बन गया, तो इसमें आप हेडिंग भी लगा सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे कह दें कि भाई इट्स और फर्स्ट ठीक है, राइट सर, यानी तो रिस्टायरिंग हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। समझ में नहीं आई कोई बात भी, एक तो हमारे पास डेटा नहीं है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले तो यही बात समझने वाली थी ना, जो समझनी थी। मुझे लगता है आपको ना ये दोबारा रिपीट करना चाहिए, मेरी तो फर्स्ट क्लास है, मैं तो पैथन का लफ्ज भी पहली दफा सुन रही हूँ, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। अच्छा
इसके लिए डेटा की जरूरत नहीं है। तो इसमें फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम बेसिक पाइथन सीख रहे हैं। सर नहीं आई समझ, इसको दोबारा रिपीट कर दीजिएगा कल। सर आप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारी पाइथन की फाइल है आप वो ओपन करें थोड़ा सा। ये खुल गई तो मैं कोशिश करता हूँ मैं कुछ जवाब दूं। ठीक है जी जी। तो सवाल है कि हम पढ़ क्यों रहे, डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो ये किस किस्म की यानी लैंग्वेज आ गई। तो डेटा होने के लिए तब हम यूज कर, जैसे हम डेटा एनालिसिस कर रहे हो, जैसे कि 9 PM पे सेशन चलता है। अब एक प्रोग्राम वो हाई लेवल पे है पाइथन, अब बेसिक पे आ जाए तो हमें ये बेसिक प्रोग्राम यूज करते हैं डिफरेंट अपने कामों को पूरा करने के लिए, राइट। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक, इसमें हम वेरिएबल्स खुद बनाते हैं, हम डेटा खुद दे रहे होते हैं या डेटा यूजर से ले सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे कैसे। और हम डिफरेंट प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि हम मशीन से इंटरेक्ट करें, जैसे मैं इंटीजर ये सब एडिशन कर रहा हूँ, तो मैं लिख तो हाई लेवल पे रहा हूँ, कर ये मेरी मशीन रही है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि पाइथन की किस किस्म की लैंग्वेज है, पाइथन को मैं कैसे समझा सकता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, मैं अब पाइथन को समझा रहा हूँ कि आपको ये करना है, बेसिकली इसको समझा रहा हूँ, पर उससे पहले खुद समझ रहा हूँ कि पाइथन काम कैसे कर सकती करती है, इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, अब क्यों यूज कर रहे हैं आप बेसिक, जब आपकी बुनियाद बनेगी तभी आप इसे वेब डेवलपमेंट में यूज कर पाएंगी, तभी आप इसे डेटा एनालिसिस में यूज कर पाएंगी, राइट। तो जैसे प्रिंट का बेसिक सा फंक्शन है, इंटीजर्स के डिफरेंट वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट है, अगर न्यू बिगिनर है तो उसे कैसे पता होगा कि मैं वैल्यू कहाँ पे स्टोर करूँ। जैसे आप डेटा एनालिसिस की डेटा की बात कर रही थी, तो 9 PM में डेटा को रीड करते हैं तो वो भी किसी वेरिएबल में स्टोर होती है। अब किसी बंदे को यही नहीं पता कि पाइथन में वेरिएबल कैसे बनता है, तो वो डेटा कैसे इम्पोर्ट करेगा, कैसे उसे यूज करेगा। तो सबसे पहले किसी चीज को कहीं भी आप जाएं, कोई नई चीज लर्न करें, उसकी बेसिक चीज हम बहुत समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी बुनियाद समझते हैं, ये हमारी पाइथन की बुनियाद शुरू हो रही है। सबसे पहले पाइथन का प्रिंट फंक्शन, उसमें वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, हम उसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस आएंगी, हम कंडीशन के बेस पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, कि ये चीज देखो अगर है तो ये काम कर दो, अदरवाइज ये ना करो। हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा रहे होंगे, बट उससे पहले हम ये समझ रहे हैं कि इसकी बुनियाद क्या है, कैसे यूज होगी, क्या इसके रूल्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी टूल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम इसको लिख सकें लैंग्वेज को। ठीक, जैसे हमें अपनी लैंग्वेज लिखनी है तो मैं पेन पेपर पे लिख लूंगा, डॉक्यूमेंट पे लिख लूंगा। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं उसकी बुनियाद पढ़ूंगा, अगर मुझे बिल्कुल नहीं आती तो मैं ABCD से स्टार्ट करूंगा एंड आगे पढ़ूंगा, देन मैं कोई जाके अंग्रेजी लिख भी लूंगा और पढ़ भी लूंगा, ठीक है, किसी से अंग्रेज से ही बात कर लूंगा, ठीक है, कोई कोई मसला नहीं। तो उसके लिए हम क्या करें, पाइथन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसमें हमें फिलहाल डेटा की कोई नीड नहीं है, डेटा क्रिएट करना हम करेंगे, राइट सर। पर ये भी तो समझना होगा ना कि जैसे आपने प्रिंट का ये लगाया है कि आपने बनाया है, तो इसका फिर क्या रिजल्ट होगा, हम इसका क्या करेंगे, तो इसका क्या यूज है, ये पता होना भी तो जरूरी है ना, कि आपने वेरिएबल बनाया है किस लिए बनाया है, जब तक ये समझ नहीं आएगी तो ये किस लिए बनाया गया ये भी तो समझ नहीं आएगी। वेल हम अभी ये सीख रहे हैं कि वेरिएबल बनाए किस तरह जाते हैं, फिर जब हम किसी डाटा पर या फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज करेंगे फिर आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि किस लिए हमें बनाया। यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस नहीं की है, हम दोबारा इसे देख लेते हैं। ये देखें, हम वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि जिस तरह आपका नाम है, अगर आपका कोई नाम ना हो तो फिर लोग आपको कैसे बुलाएंगे, आपका नाम आपका वेरिएबल है, आप जब भी आपको किसी आपने किसी से बात किसी को आपसे बात करनी होती है या फिर आपको बुला आपसे आपको कोई काम कहना होता है सॉरी, तो वो आपका नाम लेते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि ये काम करना है। जब भी हमें किसी डाटा के ऊपर परफॉर्म करना होगा ना कुछ भी, मतलब है कि हमने इसके अंदर 20 स्टोर करवाया, वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपने डेटा को उठाकर रख लेते हैं, फिर हमें जो भी करना है उस कंटेनर को कहने के भाई जिस मैं आपको एक और ज्यादा प्रैक्टिकल उसमें तो समझाता हूँ कि एक वर्कर होता है वो एक मशीन पे काम कर रहा है, आप उस मशीन को तो नहीं कहते हैं ना कि भाई ये मेरा ये काम कर भाई, आप उस बंदे को कहते हैं कि भाई जाओ मशीन पर ये काम कर दो। तो उसी तरीके से ये जो वेरिएबल है ये एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने अपने हमने 20 को रख दिया है,
अब जब भी हमें कुछ करना होगा ना, मतलब है कि फर्ज करें एक कंटेनर और को दूसरे कंटेनर से हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम बेसिकली उन कंटेनर्स को मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे होंगे, वो सिर्फ हमारे लिए एक शील्ड बन रहे हैं, जो मतलब है कि रेफरेंस बन रहे हैं जिसके अंदर वो डाटा सेव है। हम उसे कॉल करेंगे तो वो डाटा आएगा दूसरे कंटेनर के डाटा के साथ, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसका सिर्फ यूँ समझे कि नाम है बस, वेरिएबल। आपको जब जब भी आपको किसी को आपको बुलाना होता है तो आप उसका नाम लेते हैं, उसी तरीके से हम इस 20 का नाम ले रहे हैं कि भाई इंटीजर इधर आओ, हमने तुम्हें ए इधर आओ, हमने तुम्हें बी के साथ मल्टीप्लाई करना। समझ में आया, या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मजीद? जी फातिमा, थोड़ा सा आप। चलें देखें, वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें वैल्यू हम स्टोर कर सकें। क्यों वैल्यू स्टोर करते हैं, सवाल ये पैदा होता है। आप एक प्रोग्राम बना रही हैं, ठीक है, जिसमें आपने एक नंबर है आपके पास, एक दूसरा नंबर है, आपको उसको ऐड करके और परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट मार्क्स है, आपने सबको ऐड करना है, उसके टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करना है, उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है, ठीक है, राइट। और आगे फिर से ही, ठीक है, वो परसेंटेज आपको कहीं यूज करनी है अपने प्रोग्राम में। आपने ये चेक करना है कि ये इसने ए ग्रेड उठाया, इसने बी, इसने सी, इसने डी, इस बंदे ने उठाया। जैसे मैं हूँ, मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें 10 10 मार्क्स हैं। आप 10 10 को उठा के डिवाइड बाय 30 करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, आपके पास परसेंटेज आई। आपका प्रोग्राम कुछ इस तरह से, आपने उस बंदे को बताना है, वो अपने मार्क्स इंटर करेगा, आपने उसे बताना है कि आपकी ग्रेड कौन सा बनता है। अब उसने मार्क्स इंटर कर दिए, ठीक है, अब आप उस मार्क्स को यूज कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में? ऐसे हम लेके हम कहीं वो हम लेंगे तो रन टाइम पे वो गायब हो जाएंगे, मार्क्स मेमोरी में स्टोर नहीं होंगे। तो हमें वैल्यूज को प्रोग्राम में स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाना होता है। वेरिएबल क्यों बनाना होता है? दूसरी बात, एक तो वैल्यूज को स्टोर करें अपने पास, रख सकें कहीं यूज करने के लिए। दूसरी बात कि हम उन वैल्यूज को पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करके यूज कर सकें। अब मैंने 30 मार्क्स इंटर कर दिए, आपने 3 वेरिएबल बना लिए, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा के, उसमें मेरे मार्क्स एड रख दिए, ठीक है। आपने एक और वेरिएबल बनाया परसेंटेज के नाम से, आपने वो 3 मार्क्स उठाए जावा प्लस पाइथन प्लस सी प्लस प्लस डिवाइड बाय, ठीक है, अब कुछ भी टोटल मार्क्स हो सकते हैं, जैसे 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये परसेंटेज एक बनी, एक और वेरिएबल में गई, उसका नाम था परसेंटेज, ठीक है। अगर आप वो वेरिएबल नहीं बनाई थी, आप ऐसे ही डिवाइड कर लेती हैं सपोज, तो आप कैसे चेक करेंगे हम कि ये परसेंटेज इस बंदे की आई क्या थी? इसने ए ग्रेड उठाया, बी, नहीं पता चलेगा। तो मैं लाजमी एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें ये कैलकुलेशन को स्टोर करूंगा परसेंटेज के नाम से, वो होगा। अब उस परसेंटेज का वेरिएबल बन गया, उसमें एक परसेंटेज पड़ी है जो कि मेरी मेरे ठीक है मेरे जो कोर्सेज हैं उसकी है, कि मैंने कितनी परसेंटेज अपने कोर्स में उठाई। तो अब वो आपके पास वेरिएबल में स्टोर है, यानी वेरिएबल में स्टोर है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, आप उसे कभी भी कहीं भी कॉल करके यूज कर सकती हैं। तो वेरिएबल बनाया इसलिए जाता है, आप वैल्यू को स्टोर करें, उसे कहीं भी किसी भी वक्त प्रोग्राम में कॉल करके यूज करें। अब परसेंटेज आप लेके आएंगी, उसका लेंगी परसेंटेज और चेक करेंगी कि इसकी परसेंटेज कितनी आई है। इधर इसने ए ग्रेड उठाया, बी उठाया, सी उठाया, ये फेल है, तो मैं तो फेल हूँ, 100 में से 30 तो बक्का ही फेल हूँ। तो आप कैसे चेक करेंगे अगर आप वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे परसेंटेज को? तो लाजमी प्रोग्राम में आपको वेरिएबल बनाना होता है ताकि आप वैल्यू उसमें रख सकें। जैसे आप रेगिस्तान में जा रही हैं, आपको पानी एक मिल रहा है किसी जगह पे, आप चाहती हैं थोड़ा पी भी लेती हैं, आप चाहती हैं अब इसे स्टोर करूं ताकि मुझे फ्यूचर में मैं इसे यूज करूं, कैसे करेंगी? आपके पास एक बोतल है, बोतल ली, पानी भर लिया, बोतल आपकी वेरिएबल है, पानी उसके अंदर वैल्यू है। अब आगे जाती जा रही हैं, ठीक है, तो आपको प्यास लग रही है, तो आप वेरिएबल को निकाल रही हैं अपने बैग में से, ढक्कन खोला और पी लिया पानी, वैल्यू को यूज कर लिया अपने प्रोग्राम में कहीं भी। वेरिएबल भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप इसलिए बनाते हैं, आप वैल्यू को स्टोर करें, क्योंकि हमें वैल्यूज का, हमारे पास मकसद होता है हर वैल्यू का। अभी तो हमने वो नहीं देखा, हम वैसे जनरल पढ़ रहे थे। हर वैल्यू का प्रोग्राम में मकसद होता है, क्योंकि वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करती है। हम कोई भी वेरिएबल ऐसे नहीं बना देते, हम मीनिंगफुल नाम्स रखते हैं, नेम मीनिंगफुल होते हैं, ताकि हम कहीं भी अपने प्रोग्राम में वो यूज करें। हम कैलकुलेटर बनाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें वेरिएबल्स होंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। यूजर ए 8 दबाए 9 दबाया, उसने फिर उसने बोला प्लस कर दो 100 के साथ, हमें उसे आउटपुट शो करना है।
और वो जब आउटपुट उसके पास आए वो बोले इसको प्लस कर दो आप 200 के साथ, तो जब मैंने 100 को स्टोर ही नहीं किया तो मैं उसे प्लस नहीं कर सकता अपने प्रोग्राम में, वो मैं यूजर को नहीं बता सकता। तो पहले जो उसने काम करवाया हमसे मैं उसे वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, अगर मुझे कोई दूसरी इंस्ट्रक्शन वो देगा तो मैं उसको उस वेरिएबल के साथ वो जो करने को बोलेगा मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी मैं कर दूंगा। क्यों, अब वैल्यू मेरे पास स्टोर है एज अ वेरिएबल, ठीक है, मेरे प्रोग्राम में। और हम कह लें अगर लो लेवल पे जाए तो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर है उस नाम से, किस नाम से, वेरिएबल के नाम से। अब मैं 20 को नहीं कॉल करूंगा, नहीं, 20 को मैंने जो नाम दिया है उसका निकनेम जो दिया है उसको मैंने दिया है वैल्यू, सपोज करें वैल्यू दिया है या उसे इंटीजर दिया है या ए नाम दिया है, तो मैं ए को कॉल करूंगा राइट, ताकि 20 हमारे पास आ जाए। तो कुछ अंदाजा हुआ कि हम वेरिएबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, किस काम के हमारे, समझ में आ गई सर? ठीक, और सर आपका टाइम भी 6 से ऊपर हो गया है। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट करना है, तो अल्लाह हाफिज एवरीवन। कोई भी सवाल हो तो चैनल में आराम से पूछ लीजिएगा, ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। कुछ भी समझ में नहीं आता एक लफ्ज भी तो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज।